नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक उत्तराखंड के मध्यकालीन इतिहास से संबंधित तीसरी महत्वपूर्ण क्लास कुमायूं का चंद राजवंश पार्ट थर्ड। इससे पहले मैं चंद वंश से संबंधित दो महत्वपूर्ण कक्षाएं आपको दे चुका हूं, पार्ट वन एंड पार्ट टू, और जिसमें मैंने राजा रुद्रचंद तक के इतिहास को आपके सामने रखा था। और फिलहाल राजा रुद्रचंद के साम्राज्य विस्तार की ओर एक नजर डाली जाए तो हमने ये कहा था कि राजा रुद्रचंद वो राजा था जिसका साम्राज्य विस्तार संपूर्ण तराई और भाबर तक हो गया था। और इससे पहले कि राजा रुद्रचंद ने गढ़वाल की ओर साम्राज्य विस्तार का मन बना लिया था, जिस वजह से उसका सेनापति पुरुषपंत मारा गया था बधाणगढ़ आक्रमण के दौरान, और क्योंकि राजा बलभद्र शाह शक्तिशाली थे और उन्होंने यहाँ के कत्यूरियों को और सोमेश्वर के राजाओं को अपनी तरफ जागीरें देकर अपनी तरफ मिला लिया था, परिणामतः राजा रुद्रचंद को अपना सेनापति खोना पड़ा था। और दूसरी बड़ी बात, राजा रुद्रचंद और मुगल शासक अकबर के संबंधों की बात कर रहा था मैं। तराई पर आक्रमण के दौरान जब राजा रुद्रचंद ने अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया तो मुगल शासक अकबर से उनकी भेंट हुई और अकबर ने उन्हें नागौर अभियान में भेजा था और प्रसन्न होकर उनको 84 मील की जागीर भेंट कर दी थी जिसमें संपूर्ण तराई और भाबर आता था। अच्छा, रुद्रचंद जो कि एक शक्तिशाली राजा थे, उनके जो बड़े पुत्र थे शक्ति गोसाई के नाम से, उन्हें गद्दी पर बैठना था, लेकिन शक्ति गोसाई जन्म से अंधे थे भैया, और जन्म से अंधे होने के कारण उन्हें उत्तराखंड का चंद वंश का धृतराष्ट्र भी कहा जाता है। तो चंद वंश का धृतराष्ट्र अगर प्रश्न पूछे तो शक्ति गोसाई, अंततः छोटे भाई राजा लक्ष्मीचंद के हाथ में सत्ता आ गई। ये टाइम पीरियड जो सामने लिखा हुआ है 1597 से लेकर 1621 तक का, ये मुगल शासक अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। गढ़वाल शासक मानसा, इसके समकालीन गढ़वाल शासक मानसा का शासनकाल है और मानसा गढ़वाल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजा है और उनका टाइम पीरियड है 1591 to 1611, यानी 1591 से लेकर 1611। और उनके दरबारी जो दरबार में विद्वान रहते थे, कवि भरत का जिक्र हुआ है, कवि भरत ने उनसे संबंधित एक किताब लिखी है मानोदय काव्य, जिसमें उनकी बहुत सारी जानकारी के बारे में लिखा हुआ है। कहते कि राजा मानसा, क्योंकि राजा रुद्रचंद ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था और जिसकी वजह से उनका सेनापति भी मारा गया था और कुमायूं और गढ़वाल के मध्य एक संघर्ष की शुरुआत हो गई और राजा लक्ष्मीचंद और मानसा के मध्य कई युद्धों का जिक्र हुआ है। यह कहा जाता है कि राजा लक्ष्मीचंद और मानसा के मध्य लगातार 7 आक्रमणों में राजा लक्ष्मीचंद की हार हो गई थी। क्यों? क्योंकि राजा मानसा का एक वीर सेनापति खत्तड़ सिंह था, जबकि लक्ष्मीचंद का वीर सेनापति गैंडा सिंह का जिक्र हुआ है। अंततः 8वें आक्रमण में जब लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर आक्रमण किया तो मानसा के वीर सेनापति खत्तड़ सिंह को पराजित कर दिया और 8वीं विजय के रूप में संपूर्ण कुमायूं में इसको एक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और यह कहा गया कि चंदों का प्रतीक चिन्ह गाय, गाय की जीत और मानसा के सेनापति खत्तड़ सिंह की हार, यानी गाय की जीत और खत्तड़ सिंह की हार के रूप में इसको खतड़वा त्यौहार के रूप में आज भी मनाया जाता है। जनरली हम इसको 16 सितंबर को मनाते हैं, तो ये बात कवि भरत भी लिखते हैं कि 16 आज की डेट में 16 सितंबर को यहां पर उत्तराखंड में या खासकर कुमायूं में खतड़वा दिवस मनाया जाता है। अगर प्रश्न बनाता है कि खतड़वा दिवस की कहानी या खतड़वा दिवस किससे संबंधित है तो राजा लक्ष्मीचंद और मानसा की भी जो संघर्ष हुआ था उसमें अंततः लक्ष्मीचंद अंतिम और 8वीं विजय में 8वीं बार युद्ध में जीत गए थे, इस वजह से उन्होंने इस खुशी के रूप में खतड़वा दिवस मनाया था जो आज की डेट में 16 सितंबर को मनाया जाता है, जिसमें ये नारा दिया, ये उद्घोष किया गया कि गाय की जीत चंदों के प्रतीक चिन्ह और खत्तड़ सिंह की हार। क्लियर हो गया होगा गढ़वाल के, और इस बात का उल्लेख, इस युद्ध का उल्लेख कवि भरत ने किया है कि जो कि मानसा का दरबारी विद्वान था और कवि भरत ने किताब लिखी है मानोदय काव्य। क्लियर हुआ प्रश्न, आगे बढ़ेंगे हम। अच्छा, इसके अलावा जहांगीर से दिल्ली में भेंट की थी इसने, राजा ने, और कहते हैं कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में भी इस बात का उल्लेख किया है। इसके अलावा उसके योग्य पिता की योग्य संतान कहा जाता है, यानी रुद्रचंद की योग्य संतान, निर्माता के रूप में याद किया जाता है उसे अल्मोड़ा के इतिहास में। निर्माता मतलब उसे बहुत सारे ऐसे निर्माण कार्य किए, क्या किए देखते हैं निर्माण कार्य में।
सबसे पहले उसने कौन कौन से अल्मोड़ा के विशेष गार्डन बनवा रखे हैं वो सब नाम आ रहे हैं यहाँ पर। जैसे पहला नाम यहाँ पर है अल्मोड़ा का गार्डन, पांडे खोला अल्मोड़ा, कबीना बाग, नरसिंह बाड़ी, लक्ष्मीश्वर, ये सब गार्डन है अल्मोड़ा के। मंदिरों में लक्ष्मणेश्वर मंदिर अपने नाम का, उसके अलावा बागनाथ मंदिर, बागनाथ मंदिर का निर्माण अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप 1602 में बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का निर्माण कार्य इसके द्वारा हुआ है, तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा जागेश्वर मंदिर को भूमिदान देने का कार्य किया है इसने, तो क्लियर हुआ। बागनाथ मंदिर 1602 में किसने बनाया, तो लक्ष्मीचंद ने। अच्छा, अब इसके अलावा अन्य निर्माण कार्य में यहाँ पर हम जाएंगे जो सामने, अन्य निर्माण कार्य में बंदोबस्ती कार्यालय यानी अल्मोड़ा में एक बंदोबस्ती कार्यालय की नींव डाली थी इसने, भूमि बंदोबस्त हुआ करते थे, ये बहुत पहले से चल रहा था। दूसरा, अल्मोड़ा में उसने कोर्ट यानी कचहरी की नींव डाली, जिन्हें जिस नाम ये न्योयाली या बिष्टाली कहा जाता था। तो न्योयाली या बिष्टाली लक्ष्मीचंद के शासनकाल में क्या थे, तो वहाँ की कोर्ट थी, वहाँ की कचहरियाँ थी। न्योयाली में किसका न्याय होता था, सामान्य जनता का, और बिष्टाली में ये सैनिकों से संबंधित न्यायालय था। क्लियर हो गया होगा, न्योयाली और बिष्टाली ये कोर्ट थे, कचहरियाँ थी, और जिसमें सामान्य जनता जैसे दीवानी और फौजदारी होता था, दीवानी में सिविल मामले और फौजदारी में क्रिमिनल आपराधिक मामले होते हैं, वैसा कुछ ये भी था। सैनिक मामलों से संबंधित न्यायालय बिष्टाली और सामान्य जनता से संबंधित मामलों के लिए न्योयाली थी। अच्छा, वहीं पर अल्मोड़ा में ही बहादुरी पुरस्कार यानी रौत की शुरुआत की इसने, रौत पुरस्कार जो बहादुरी के लिए दिए जाते थे। भूमि से संबंधित पुरस्कार भी कहते थे इसको, और यानी कृषि से क्षेत्र में जिसने महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, उल्लेखनीय योगदान दिया हो, उसको भी दिए जाते थे ये पुरस्कार। इसलिए रौत शब्द पुरस्कारों के लिए आया है जो बहादुरी के लिए दिए जाते थे, तो सेना में हो या कृषि के क्षेत्र में जो काम किए गए हों। अच्छा, अल्मोड़ा में भूमिदान की शुरुआत की थी इसने, भूमिदान देने की परंपरा भारतीय इतिहास में सातवाहन शासकों ने ही शुरू कर दी थी। ऐत्रेय ब्राह्मण में भी इसका जिक्र हुआ है, लेकिन यहाँ पर भूमिदान का कहीं पर जिक्र हुआ है तो अल्मोड़ा में राजा लक्ष्मीचंद के समय। और कहते हैं कि इसके समय इतना कठोर शासन था कि इसके भय से लोगों ने छत में सब्जी उगाना शुरू कर दिया था। मतलब उसने यहाँ पर बहुत सारे गार्डन बनाए और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो घरों में अपने बगीचे लगवाएं, बाग बगीचे लगवाएं और सब्जी फलों का उत्पादन करें। इस संदर्भ में इस प्रश्न को लिखा गया है। अच्छा, इसके बाद के जिन राजाओं का जिक्र आपके सामने हो रहा होगा, ये वो राजा हैं। राजा लक्ष्मीचंद के बाद जो यहाँ का शासन था थोड़ा सा ढीला ढाला रहा। अब क्यों, क्या दिक्कतें रही, वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ये देखिए, लक्ष्मीचंद के बाद के राजाओं का जिक्र हो रहा है। लक्ष्मीचंद के चार पुत्रों में दिलीप चंद सबसे पहले गद्दी पर बैठे, लेकिन 1624 में क्षय रोग यानी टीबी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अब सत्ता विजयचंद के हाथ में आ गई, लेकिन विजयचंद बहुत ज़्यादा योग्य नहीं था, विलासी और अयोग्य था। ऐसे में दरबार में जो मंत्रीगण थे उन्होंने इसका फायदा उठाया। मंत्रीगणों में सकराम कार्की, पीरू गोसाई और विनायक भट्ट का जिक्र हुआ है। ये लोग इतने हावी हो गए थे कि राजा इनके हाथ की कठपुतली हो गया था। अच्छा, वास्तविक शक्ति सकराम कार्की और अन्य इन लोगों के हाथ में आ गई थी। ऐसे में विजयचंद के जो अन्य भाई थे नीलू गोसाई, उन्होंने इसका विरोध किया, इनका विरोध किया। भैया, इनके द्वारा जो गतिविधियां हैं दरबार में राजा के खिलाफ, उसका विरोध किया। कहते हैं कि इन लोगों ने मिलकर नीलू गोसाई की आंखें निकलवा दी, उसे अंधा कर दिया। ऐसे में दरबार में अराजकता होने लगी, और इसका दरबार में अराजकता जो हुई या नीलू गोसाई के साथ जो व्यवहार किया उसका उल्लेख पाभे ताम्रपत्र पिथौरागढ़ से भी मिला हुआ है। तो पाभे ताम्रपत्र पिथौरागढ़ किससे संबंधित है, जो नीलू गोसाई के साथ व्यवहार किया गया उसकी आंखें निकलवाई। इसी नीलू गोसाई का पुत्र होगा बाज, बाज बहादुर चंद के नाम से गद्दी पर बैठेगा। लेकिन बहरहाल विजयचंद को भी अंततः एक समय ऐसा आ गया जब सकराम कार्की ने विजयचंद की हत्या करवा दी सबके साथ मिलकर। और इस अराजकता से निपटने के लिए अंततः विमलचंद गद्दी पर बैठ गए, जो इनके छोटे भाई हैं। विमलचंद जब जो टाइम पीरियड जो हमारे पास सामने आ रहा है वो है आपका 1625 से लेकर 38 तक का टाइम पीरियड। अब जब विमलचंद गद्दी पर बैठे, कहते हैं कि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि दरबार में जो अराजकता हो रही है इस त्रिगुट के द्वारा, वो सबसे बड़ी अराजकता थी। सबसे पहले उसने क्या किया, क्षेत्रीय लोगों की मदद से, जो प्रशासन में बड़ी भूमिका निभाते थे आज से नहीं बहुत पहले से, उन लोगों की मदद से इस त्रिगुट का अंत कर दिया। त्रिगुट में सकराम कार्की, पीरू गोसाई और विनायक भट्ट का अंत करवा दिया। अच्छा, दूसरा महत्वपूर्ण काम इसके समय का, विमलचंद के समय का, कि कोसी का युद्ध हुआ था इसके समय। कोसी नदी के तट पर गढ़वाल की सेना के साथ युद्ध हो गया, कहते हैं वो 1645 का युद्ध काफी महत्वपूर्ण है भैया गढ़वाल के इतिहास में। गढ़वाल के इतिहास में भी हम इसका जिक्र करेंगे। तो कोसी का युद्ध जो कि 1635 में हुआ है, तो इस समय
विमल चंद और राजा महीपति शाह के समय हुआ था, और विमल चंद के साथ उसके बहुत सारे सहायक लोग जो यहाँ के क्षेत्रीय निवासी थे वो भी शामिल थे। अंततः महीपति शाह की 1635 में मृत्यु हो गई थी, और इसके बाद गढ़वाल का शासन महारानी कर्णावती के हाथ में आ गया था, और उनके क्योंकि उनके पुत्र पृथ्वीपति शाह छोटे थे। अच्छा, विमल चंद से प्रश्न बना हमारा, त्रिगुट का अंत करने का काम कोसी का युद्ध लड़ा उसने, महीपति शाह को पराजित किया था, और जागेश्वर के मंदिरों में मूर्ति भी स्थापित करवाई इसने, और इसके बाद दीपचंद ने भी करवाई है, तो दीपचंद और इसके मूर्तियां हैं जागेश्वर के मंदिरों में, ये इसके बाद का शासन। अच्छा, अंततः बाज बहादुर चंद जो कि नीलू गोसाई का पुत्र था ये गद्दी पर बैठ जाएगा। इसके बाद भी थोड़ा सा अराजकता का माहौल रहा, और बाज बहादुर चंद अंततः चंद वंश का एक शक्तिशाली राजा के रूप में उभरा और गद्दी पर बैठा, और बहुत सारे प्रश्न हमारे पास राजा बाज बहादुर चंद से संबंधित हैं। बाज बहादुर चंद चंद वंश के इतिहास में वो महत्वपूर्ण राजा है जिसका साम्राज्य विस्तार सबसे ज्यादा था। अगर हमें जैसे जनरल क्वेश्चन आते हैं कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किसका रहा, तो हम कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का रहा, और उसी प्रकार चंद राजवंश में सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार बाज बहादुर चंद का रहा। लेकिन बाज बहादुर का चंद का टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे तो 1638 से लेकर 78 यानी 40 वर्ष इसने शासन किया है। इससे पहले मैंने गरुड़ ज्ञानचंद का जिक्र किया था जिसने 45 साल शासन किया था, जो कि सर्वाधिक समय तक राज करने वाला चंदवंशी राजा था, और उसके बाद यानी दूसरा सर्वाधिक समय तक राज करने वाला संभवतः बाज बहादुर चंद है। तो प्रश्न लिखा भी गया सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किया था इसने और 48 साल शासन किया था, तो सर्वाधिक समय तक साम्राज्य विस्तार तो नहीं कहेंगे क्योंकि गरुड़ ज्ञानचंद 45 साल राजा रहे हैं और 40 वर्ष तक शासन किया है, और लेकिन सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार यानी चंद वंश का सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार बाज बहादुर चंद के समय हुआ है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर है, यह चंद वंश का 50वां राजा था, खास खास प्रश्न यहां पर आ रहे हैं, और शाहजहां मुगल शासक और औरंगजेब का समकालीन था। कहते हैं कि औरंगजेब से काफी प्रभावित था, आपको ध्यान होगा औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया था, यानी अकबर ने जजिया कर का समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने उसे फिर से लगा दिया था, और ये औरंगजेब से प्रभावित होने की वजह से इसने भी कुमायूं में जजिया कर लगा दिया था। भैया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुमायूं में जजिया कर लगाने वाला कौन चंदवंशी राजा था? बाज बहादुर चंद। अच्छा, कहते हैं कि जब बाज बहादुर चंद और मुगलों के बीच ठीक ठाक संबंध थे, और उसी समय शाहजहां ने उसे खलीकुल्लाह एक सेना यहां का मुगलों का सेनापति था खलील उल्लाह खां, उसकी सेना के साथ गढ़वाल अभियान में भेजा था, क्योंकि गढ़वाल अभियान यानी गढ़वाल से शाहजहां के संबंध ठीक नहीं थे। मैंने कहा था कि जब राजा महीपति शाह की मृत्यु हो गई थी अल्मोड़ा के एक युद्ध में, तो उनके बेटे पृथ्वीपति शाह छोटे थे, तो महारानी कर्णावती के पास सारी जिम्मेदारी आ गई, तो शाहजहां के समय गढ़वाल यानी धूल घाटी की ओर एक सेना भेज दी गई थी, और कहते हैं कि महारानी कर्णावती ने अपनी सूझबूझ से मुगल सैनिकों के नाक कटवा दिए, मतलब उनको पराजित कर दिया। महारानी कर्णावती को गढ़वाल के इतिहास में नाक कटी रानी इसलिए कहा जाता है, मतलब शाहजहां की मुगलों की हार हुई थी। इसकी वजह से जो मुगल सेनापति धून घाटी पर गया था उसकी जागीर भी छीन ली गई, उसके उसे मनसबदार के पद से मुक्त कर दिया गया, उसके साथ इस टाइप का व्यवहार हुआ, और ये मुगलों के लिए बहुत बड़ी हार थी। इसीलिए शाहजहां ने खलीलुल्लाह खां की सेना के साथ फिर से गढ़वाल अभियान करवाया था, जिसमें बाज बहादुर चंद की भी मदद ली गई थी, कारण समझ गए होंगे आप। अच्छा, उसके अलावा फिर बाज बहादुर चंद की वीरता से प्रसन्न होकर अंततः उसे बहादुर की उपाधि दी गई। ध्यान रखिएगा उसका मूल नाम बाज है, तो बहादुर की उपाधि उसे, और उसे उसका जो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र था नक्कारा बजाने की अनुमति दी गई थी। कभी कभी जनरल क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे औरंगजेब क्या बजाता था आपने देखा होगा, और ऐसे अकबर क्या बजाते थे, इस टाइप के प्रश्न मिलते, वैसे बाज बहादुर चंद नक्कारा बजाते थे, उसको अनुमति मिल गई थी। अच्छा, और वो 84 मील की जागीर जो तराई भाबर के रूप इनके वंशज को पहले से मिली थी पुनः इसको दे दी गई, और इसी में यहाँ के क्षेत्रीय आक्रमणों से बचने के लिए अंततः उसने तराई की सुरक्षा के लिए बाजपुर नगर की नींव डाली। ध्यान रखिएगा जैसे रुद्रचंद ने रुद्रपुर नगर की नींव डाली थी वैसे ही। अच्छा, एक महत्वपूर्ण घटना और इसके समय की हुई है। कहते हैं कि शाहजहां के पुत्रों में औरंगजेब का उत्तराधिकार संघर्ष हो गया था, और चार पुत्रों में औरंगजेब सत्ता को पाने के लिए उसने अपने अन्य भाइयों को बहुत सारे युद्ध में पराजित कर दिया था, और इसी दौरान जो शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था दारा शिकोह, जब दरबार में अफरा तफरी मची हुई थी तो दारा शिकोह का पुत्र सुलेमान शिकोह अपने एक मित्र यानी बाज बहादुर चंद की शरण में आ गया था कुमायूं में, लेकिन बाज बहादुर चंद ने उसे शरण देने से इनकार कर दिया और उसे कुछ सलाह देकर उसे गढ़वाल दरबार की ओर भेज दिया, और उसे वहां पृथ्वीपति शाह ने शरण दे दी।
तो इसलिए सुलेमान सिंह को शरण नहीं दी थी, ध्यान रखिएगा। सुलेमान सिंह ने किस चंद्रवंशी राजा के वहाँ शरण ली थी, तो बाज बहादुर चंद के वहाँ, लेकिन उसे शरण नहीं मिलने की वजह से वो गढ़वाल चला गया था और पृथ्वीपति शाह के दरबार में उसको शरण मिल गई थी। अब पृथ्वीपति शाह के समय क्योंकि शाहजहाँ ने वहाँ पर आक्रमण करवाए दिए थे, यानी मुगलों और पृथ्वीपति शाह या महारानी कर्णावती के संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, इस वजह से मुगलों के किसी विरोधी को शरण देना गढ़वाल के लिए सही साबित हुआ, यद्यपि उसकी वजह से गढ़वाल के शासन प्रशासन में बहुत दिक्कतें आने लगी। खैर आगे बढ़ेंगे हम लोग। पर्वत गुसाई तथा विश्वरूप पांडे को मुगल दरबार भेजा था इसने अपने सेनापतियों को, और ताकि वो वहाँ से अनुभव भी ले सकें और शासन प्रशासन की समझ भी डेवलप कर सकें। और गढ़वाल का शासक इसके समकालीन पूछेगा तो बाज बहादुर चंद के समकालीन गढ़वाल का राजा कौन था, तो महीपति शाह और पृथ्वीपति शाह। महीपति शाह की तो मृत्यु हो ही चुकी थी वैसे, हालांकि महीपति शाह कहना ठीक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि महीपति शाह की 1635 में युद्ध में मृत्यु हो गई थी, उस समय ये सेनापति था बाज बहादुर, इसलिए बाज बहादुर का नाम महीपति शाह का नाम आया, वरना मूलतः महारानी कर्णावती और पृथ्वीपति शाह उसके समय की बात होगी। अच्छा, इसके अलावा इसके सुधार कार्यों में या इससे संबंधित जो इसने काम किए वो है तिब्बत भूटांतिक व्यापार, तिब्बत और भोटिया क्षेत्र के साथ व्यापार की बाधा दूर की उसने, क्योंकि वहां पर से जो आक्रमण होते रहते थे उनको रोका उसने, और कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रियों को गूढ़ भूमि दान की थी इसने, गूढ़ भूमि दान की जाती थी, ध्यान रखिएगा, फिर से प्रश्न आया, अच्छा सा प्रश्न है यहाँ पर, मानसरोवर तीर्थ यात्रियों के लिए गूढ़ भूमि दान कर दिया जाती थी, जो खासकर मंदिर के पुजारियों को दी जाती थी, ताकि वो आने जाने वालों की जो व्यय है उसका निवारण कर सकें। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है तिब्बतियों और हुणियों और भोटियाओं से सिरती नामक नकद वसूलता था, यानी जो भोटिया व्यापारी थे या फिर जो तिब्बती लोग हुणिया जिन्हें कहते थे, वो लोग जब यहाँ से व्यापार करते थे उनसे एक टैक्स वसूलता था सिरती नकद कर के रूप में। अच्छा, और इसकी विजयों में देखेंगे तो गढ़वाल के शासक मेदिनी शाह को पराजित किया था इसने, यानी मेदिनी शाह का भी समकालीन होगा, यानी पृथ्वीपति शाह, मेदिनी शाह जो कि सेनापति के रूप में यहाँ पर था, और विजय पर कहते हैं कि जब उसने मेदिनी शाह को पराजित किया तो विजय प्रतीक के रूप में यहाँ पर नंदा देवी की मूर्ति को लाया था वो अल्मोड़ा में, तो गढ़वाल से बधाणगढ़ से नंदा देवी की मूर्ति को अल्मोड़ा लाने वाला राजा बाज बहादुर चंद है भैया। प्रश्न महत्वपूर्ण है। अच्छा, उसके अलावा मनीला दुर्ग जो कि आज की डेट में अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा और चमोली की सीमा पर, तो मनीला दुर्ग पर आक्रमण कर कत्यूरी को चंद साम्राज्य में मिला लिया इसने। यहाँ पर मनीला दुर्ग में जो बहुत सारे कत्यूरी राज कर रहे थे उसने वहां पर आक्रमण कर दिया, जो कि आक्रमणकारी लोग थे, और उनको हराकर उनको पराजित कर मनीला दुर्ग से भगा दिया था। और इसका दुष्परिणाम क्या हुआ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर सामने रखना चाहूँगा कि कत्यूरी को चंद साम्राज्य में इसने जरूर मिला लिया था, लेकिन कत्यूरी जब मनीला दुर्ग से भागे तो वो पौड़ी गढ़वाल की तरफ निकल गए, और उन्हीं क्षेत्रों में वहाँ पर कहते हैं कि पौड़ी गढ़वाल की तरफ वहाँ पर भूप सिंह गोला तथा उसके पुत्रों की हत्या कर दी इन लोगों ने, कत्यूरियों ने, मतलब कत्यूरियों और पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्रीय राजा भूप सिंह गोला के मध्य संघर्ष हुआ, और कई बार संघर्ष में भूप सिंह गोला और उनके पुत्र मारे गए, और अंततः उनकी बेटी तीलू रौतेली ने कत्यूरी के खिलाफ हथियार उठा लिए। भैया तीलू रौतेली का जिक्र करना है तो तीलू रौतेली भूप सिंह गोला की पुत्री थी, जो कि गोला राजपूत कहे जाते थे, ये संभवतः गुजरात के कोई क्षेत्रीय लोग थे और अपनी योग्यता और क्षमता के बल पर यहाँ पर श्रीनगर दरबार में इनको जागीर मिली हुई थी और यहाँ पर राज करते थे इनके वंशज। तो भूप सिंह गोला तीलू रौतेली के पिता और उनके दो भाइयों की हत्या हो गई चंद मतलब कत्यूरी के साथ संघर्षों में। अब इसमें तीलू रौतेली से जो प्रश्न बन जाता है तो मैं उसके सामने रख देता हूँ। अगर तीलू रौतेली से प्रश्न बनाता है तो 8 अगस्त को तीलू रौतेली की जयंती मनाई जाती है, सबसे ध्यान रखिएगा। और इनका स्मारक कहाँ है पूछेगा तो वीरों खाल पौड़ी गढ़वाल में, ये पौड़ी है, पौड़ी गढ़वाल में आज भी उनके किस्से हैं और उनकी समाधि यानी उनका स्मारक बनाया गया वीरों खाल में। उपाधि उन्हें कहते हैं गढ़वाल की लक्ष्मीबाई या गढ़वाल की झांसी की रानी। उनकी जो साथी थी जो उनके साथ युद्ध में भाग लेती जो बेला और देव की, ये प्रश्न भी पूछा है। उनकी घोड़ी का नाम जो कि वीरता की प्रतीक थी बिंदुली। अच्छा, हत्या क्या हुई, कहते हैं कि तीलू रौतेली ने अपने भाइयों और अपने पिता का बदला लेने के लिए कई बार कत्यूरी को कई युद्ध में पराजित कर दिया। वीरों खाल में भी एक युद्ध हुआ था और उन युद्ध में पराजित होने के बाद जब कत्यूरियों को यह संभव नहीं हो सका वो तीलू रौतेली को किसी युद्ध में हराएंगे, तो कहते हैं कि पूर्वी एक बार पूर्वी नयार नदी में नहाते हुए रामू रजवार नामक कत्यूरी ने धोखे से तीलू रौतेली की हत्या कर दी। तो किसने हत्या की, कहां पर, पूरी नयार नदी में पौड़ी गढ़वाल में नहाते हुए रामू रजवार नामक एक
कत्यूरी ने तिलू रौतेली की हत्या की। 8 अगस्त को जयंती मनाई जाती है, वीरों खाल में उनका स्मारक है, गढ़वाल की झांसी की रानी कहते हैं, और उनके से संबंधित जो प्रश्न यहाँ पर हैं, किसकी पुत्री थी, तो भूप सिंह गोला की। अपने भाइयों और अपने पिता का बदला लेने के लिए उन्होंने अंततः ये काम किया, अपना शुरू किया था। हम हैं राजा बाज बहादुर चंद से संबंधित प्रश्नों की ओर, तो बाज बहादुर चंद और जब कत्यूरी के बीच संघर्ष की गाथा आई तो हमें मनीलागढ़ का जिक्र करना था, इसी संदर्भ में यहाँ पर ये जिक्र हुआ है। अच्छा, एक हथिया देवाल का निर्माण करवाया इसने, एलोरा का कैलाश मंदिर कहते हैं इसको। बाज बहादुर चंद्र से एक हथिया देवाल पिथौरागढ़ में है और उसे एलोरा के कैलाश मंदिर के समान माना जाता है। एक हथिया देवाल का निर्माण अगर किसने किया तो बाज बहादुर चंद ने। इसके अलावा तराई की ओर आते हुए फिर घोड़ा खाल का गोलू देवता मंदिर भी का निर्माण करवाया था इन्होंने। कहते हैं कि राजा बाज बहादुर चंद के समय एक कत्यूरी सेनापति थे इनके दरबार में, गोलूदेव, जिन्हें हम गोलू देवता के रूप में कुमायूं में पूजा करते हैं। तो गोलूदेव इनके प्रसिद्ध सेनापति थे और उन्होंने कई बार युद्धों में इनकी सेना का सफल नेतृत्व किया था और समाज कार्यों में उनके किए योगदान के लिए उन्हें उत्तराखंड यानी चंद वंश के इतिहास में या उत्तराखंड के इतिहास में गोलू देवता के नाम से पूजा जाता है, जो कि राजा बाज बहादुर चंद के सेनापति थे। अंततः उन्हीं की स्मृति में घोड़ा खाल में गोलू देवता मंदिर का निर्माण करवाया राजा बाज बहादुर चंद ने। तो बहुत सारे प्रश्न हमें बाज बहादुर चंद से मिले। अच्छा, इसी कड़ी में आगे बाज बहादुर चंद के बाद के इतिहास में चलते हैं। यह है राजा उद्योग चंद का टाइम पीरियड, 1678 से 98 का। उद्योग चंद को चूंकि बाज बहादुर चंद के एक विशाल बड़ी विरासत मिल गई थी और इसलिए उन्होंने अपने विजय कार्य विजय अभियान जारी रखे। अब उसमें क्या क्या खास खास बातें थी वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। उद्योग चंद जब गद्दी पर बैठे तो उनके वीर सेनापति मैसी साहू का जिक्र हुआ है और हिरु देवबा का जिक्र हुआ है भैया। और उद्योग चंद और गढ़वाल के राजाओं के मध्य संघर्ष का भी जिक्र हुआ है। कहते हैं कि उद्योग चंद का जो वीर सेनापति थे मैसी साहू, वो बधाणगढ़ अभियान के समय मारा गया था। बधाणगढ़ चमोली से संबंधित एक महत्वपूर्ण गढ़ है जो कुमायूं और गढ़वाल की सीमा पर हुआ करता था, और ग्वालदम का जो क्षेत्र है आज की डेट में वो क्षेत्र है बधाणगढ़। अच्छा, मेदिनी शाह का टाइम पीरियड इनसे चूंकि मैच करता है, 1664 से 84 का टाइम पीरियड है। कहते हैं कि मेदिनी शाह ने डोटी राज्य से संधि कर ली थी। डोटी राज्य पश्चिमी नेपाल के लिए कहा जा रहा है। तो मेदिनी शाह और डोटी राज्य एक हो गए थे। ये लोग उद्योग चंद की सेना को हराना चाहते थे। अंततः डोटी राज्य चंपावत से आक्रमण करने लग गया था और मेदिनी शाह गढ़वाल के दूनागिरी से आक्रमण करने लग गया था। अब ऐसी स्थिति में जब डोटी राज्य और मेदिनी शाह एक हो गए तो राजा के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। लेकिन वीर सेनापति मैसी शाह ने इन दोनों की सेनाओं को संयुक्त रूप से पराजित कर दिया। लेकिन युद्ध करते करते मैसी शाह पराजित होकर शहीद हो गया। तो मैसी शाह किस युद्ध में शहीद हुआ है? तो बधाणगढ़ अभियान के समय, जो कि डोटी और मैदिनी शाह यानी गढ़वाल की संयुक्त सेना के साथ युद्ध हुआ था, उसमें मैसी शाह वीर गति को प्राप्त हुआ था। अच्छा, दूसरा महत्वपूर्ण सेनापति का जिक्र मैं यहां पर कर रहा हूं, वो है हिरु देवबा। हिरु देवबा बहुत शक्तिशाली सेनापति था। कहते हैं कि जब डोटी राज्य अपने साम्राज्य विस्तार को रोक नहीं रहा था और उसने बहुत सारे क्षेत्रों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, और तब हिरु देवबा के नेतृत्व में डोटी राज्य को बाहर खदेड़ने के लिए सेना भेजी गई थी। और हिरु देवबा के नेतृत्व में कुमायूं की चंद सेना ने अजमेरगढ़ और खैरीगढ़ अभियान किया था, जो कि नेपाल में पड़ता है, और नेपाल की सेना यानी डोटी राज्य की सेना को अजमेरगढ़ और खैरीगढ़ तक भेज दिया था। लेकिन इसी युद्ध में संभवतः वीर सेनापति हिरु देवबा भी शहीद हो गए थे। तो ध्यान रखना, खैरीगढ़ अभियान और अजमेरगढ़ अभियान यानी युद्ध किसके समय के हैं? तो उद्योग चंद के, वीर सेनापति हिरु देवबा और डोटी राज्य के मध्य। अच्छा, इसके बाद हिरु देवबा के कई वंशजों को 8 गांव रौत के रूप में दिए थे राजा ने, और उनकी आने वाली कई पीढ़ियों को रौत के रूप में जागीर दी जाती थी। इनके वीरता के किस्से हैं यहां, मैसी साहू और हिरु देवबा नाम वीर सेनापति किसके थे? तो उद्योग चंद के। अच्छा, डोटी राज्य की बात कर रहा था मैं, डोटी राज्य से बहुत सारा संघर्ष हुआ इस दौरान। अच्छा, इसके अलावा कहते हैं कि शिरोमणि जोशी डोटी अभियान में मारा गया था। एक और वीर सेनापति दरबार का एक खास व्यक्ति शिरोमणि जोशी भी डोटी अभियान में मारा गया था। लेकिन ये डोटी राज्य में बहुत सारे सेनापति मारने के बावजूद भी डोटी राज्य को जीता नहीं जा सका फाइनली, और डोटी राज्य लगभग स्वतंत्र हो गया। 1696 तक डोटी राज्य स्वतंत्र हो गया अंततः। अच्छा, निर्माण कार्यों की बात करूंगा तो राजा उद्योग चंद के
कि बालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने का कार्य बहुत पहले भी चला आ रहा था, बहुत समय से चल रहा है बालेश्वर मंदिर चंपावत का। उद्यान चंद के समय, विक्रम चंद के समय पूरा हुआ, फिर और आगे भी इसके निर्माण कार्य होते रहे। अच्छा, उसके अलावा उद्योग चंद्रेश्वर मंदिर बनाया इसने, पार्वती मंदिर, विष्णु मंदिर, त्रिपुरा देवी मंदिर अल्मोड़ा में आज फेमस त्रिपुरा देवी मंदिर, सोमेश्वर महादेव अल्मोड़ा के, तो अल्मोड़ा के अधिकांश मंदिरों का निर्माण कार्य राजा उद्योग चंद के समय हुआ है। खास खास मंदिर ध्यान रखिएगा। अच्छा, मराठा साहू महाराज, मराठा साहू महाराज का बड़ा नाम है। कहते हैं कि मराठा का जो शासन था इस समय भी शक्तिशाली था, और जो साहू महाराज के राजकवि थे मतिराम को राजा चंद राजा की ओर से हाथी और 10,000 रुपये प्रदान किए गए थे इनाम के रूप में। और एक अच्छा सा प्रश्न ये था, इसका दरबारी विद्वान का जिक्र हुआ है तो बरमदेव जोशी, तो बरमदेव जोशी किसका दरबारी विद्वान था, तो राजा उद्योग चंद का, ध्यान रखिएगा। इसको जागीर दी गई थी और बरम ताम्रपत्र पिथौरागढ़ से इस बात का उल्लेख मिलता है। तो बरमदेव जोशी से संबंधित बरम ताम्रपत्र कहाँ है, तो पिथौरागढ़ में। किसका राज दरबारी था, दरबारी वैद्य था, तो उद्योग चंद का। क्लियर हो गया होगा। इसके आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी राजा ज्ञानचंद से, 1698 से लेकर 1708 तक का टाइम पीरियड है, औरंगजेब का समकालीन है। देखो अच्छा, बधाणगढ़ को अपने, बधाणगढ़, क्योंकि गढ़वाल से अभी भी संघर्ष छूटा नहीं है, कहते हैं कि बधाणगढ़ को फिर से अपने अधिकार में ले लिया। और राजा बाज बहादुर चंद जिस समय गढ़वाल के समय जिसने यहाँ पर अपना साम्राज्य विस्तार किया था, उसी परंपरा को फिर से इसने आगे बढ़ाया था। और कहता है कि नंदा देवी की सोने की प्रतिमा को लाया था इस बार, और उसे अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में स्थापित कर दिया था। मैंने कहा था कि बधाणगढ़ अभियान में इससे पहले बाज बहादुर चंद गढ़वाल के राजाओं को पराजित कर नंदा देवी की मूर्ति को अल्मोड़ा में लाए थे, जिन्होंने नंदा देवी की मूर्ति को अल्मोड़ा में स्थापित कर दिया। लेकिन इस बार नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में किसने स्थापित किया, तो राजा ज्ञानचंद ने। अच्छा, दूसरा महत्वपूर्ण ज्ञानचंद से प्रश्न, दुधौली के युद्ध का जिक्र हुआ है यहां पर 1703 का, गढ़वाल और कुमायूं के मध्य ज्ञानचंद के समय का माना जाता है इसे, और संभवतः उस समय यहां फतेहपति शाह का शासन था। और कहते हैं कि इस युद्ध में ज्ञानचंद ने वीरता का परिचय दिया और गढ़वाल की सेना को श्रीनगर की ओर खदेड़ दिया था फतेहपति शाह। यद्यपि फतेहपति शाह बहुत शक्तिशाली राजा है, वहां पर श्रीनगर में लूट खसूट भी की गई और मुगलों का साथ था इनको, इस वजह से शायद लूट खसूट हुई, और उस लूट खसूट का कुछ हिस्सा मुगल दरबार में भिजवाया गया था। ये राजा ज्ञानचंद के किस्से हैं या उससे संबंधित जो कहानियां, यानी ज्ञानचंद की वीरता की बातें चल रही थी। अच्छा, इसके अलावा जो ज्ञानचंद से प्रश्न हमारे पास है कि डोटी अभियान के समय, यानी डोटी पश्चिमी नेपाल से कहा जा रहा है, चंद सेना फिर से जब डोटी राज्य की ओर जा रही थी तो वहां पर मलेरिया का शिकार हो गई थी और फिर युद्ध स्थगित कर वापस आना पड़ा था। ये था राजा उद्योग चंद, ज्ञानचंद और उसके अन्य राजाओं के जिक्र। और फिर इसी कड़ी में राजा जगत चंद का जिक्र हुआ है, 1708 यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद का टाइम पीरियड है राजा जगत चंद का। और जगत चंद का दरबार में एक विशेश जासूस रहता थे वीणेश्वर स्वामी, जिसकी मदद से कई युद्ध जीते थे वो। अच्छा, दूसरा, चंदों का सर्वाधिक उत्कर्ष का काल माना जाता है। कहते हैं कि जगत चंद ने 1,000 गायों का दान किया था, गायों का दान करने वाला राजा, चंदों का सर्वाधिक उत्कर्ष का काल, चंद वंश का स्वर्ण काल भी कहते हैं इसको। उसके जासूस वीणेश्वर जोशी का भी जिक्र हुआ है। अच्छा, गढ़वाल के राजा से तुलना करेंगे तो राजा फतेहपति शाह का शासन काल है इसका, यानी जगत चंद के समय गढ़वाल का राजा कौन था, तो फतेहपति शाह। इसके टाइम पीरियड को चंद वंश का स्वर्ण काल कहते हैं। कहते हैं स्वर्ण काल कहने का कारण एक ये भी था कि संपूर्ण जो तराई की जागीर इनको मिली हुई थी वहां से लगभग सबसे ज्यादा इनकम इसी समय हो रही थी। जो 84 मील की संपूर्ण जागीर तराई और भावर मिला था उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा उत्पादन किसी समय हुआ तो जगत चंद का टाइम पीरियड था। इस संदर्भ में भी स्वर्ण काल कहते हैं, और साम्राज्य विस्तार तो था ही। और फतेहपति शाह के साथ संघर्ष हुआ था इनका, श्रीनगर पर अधिकार भी कर लिया था कुछ समय के लिए। और मुगल शासक यानी औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह प्रथम यानी मुअज्जम के नाम से जो गद्दी पर बैठा था उसके दरबार में भी उपस्थित हुए थे। जुआरियों पर कर लगाने वाला राजा थोड़ा स्टिक था, और जुआरियों पर कर लगाने का काम किसने किया था, तो राजा जगत चंद ने। तो ध्यान रखिएगा, कुछ खास खास प्रश्न है। जुआरियों पर कर लगाने का काम बहादुर शाह के समकालीन था, और चंद वंश का स्वर्णकाल कहते हैं इसको, फतेहपति शाह के समकालीन है, फतेहपति शाह से संघर्ष हुआ था। अच्छा, सर्वाधिक उत्कर्ष का काल प्रश्न बन रहा है। इसके अलावा 1,000 गायों का दान करने वाला, इसका जासूस वीणेश्वर जोशी का जिक्र हुआ है।
अच्छा जगत चंद से संबंधित एक महत्वपूर्ण किताब भी है, जगत चंदिका करके, जो कि पदम देव ने लिखी है, उसके शासन प्रशासन से संबंधित जानकारी देती है। और फिर धीरे धीरे चंद्रवंश का पतन का काल आ जाएगा देवी चंद से, 1720 से लेकर 26 तक। एक तरफ मोहम्मद शाह रंगीला का टाइम पीरियड दिल्ली दरबार में, और दूसरी तरफ चंद्रवंश के रंगीला का टाइम पीरियड, मोहम्मद शाह रंगीला टाइम पीरियड 1719 से 1748। ये मोहम्मद शाह रंगीला का टाइम पीरियड है, दिल्ली दरबार का राजा। अच्छा, उसी समय देवी चंद गद्दी पर बैठा, वो भी इसलिए उसे चंद्रवंश का रंगीला भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा प्रश्न। अच्छा, और प्रश्नों में देखेंगे तो देवी चंद को कहते हैं कि देवी चंद बहुत महत्वाकांक्षी था, सपने देखा करता था, और अपने राज दरबारी में जो सलाहकार थे उनके प्रभाव में रहता था हमेशा, सलाहकारों की मदद से कुमायूं का विक्रमादित्य बनने की चाह रखता था, सोचो। और इस वजह से जो साम्राज्य प्रशासन, यानी जो इससे समय के जगत चंद का स्वर्णकाल का टाइम पीरियड था, जो पैसा सोना चांदी था सब लूटा डाला इसने। और तो और इसने एक अपना वीर सेनापति नियुक्त कर रखा था, इसका वीर सेनापति था भैया दाऊद खान, जो कि अफगानी मूल का था कहते हैं, सोचो चंद्रवंश में अफगानी मूल का सेनापति। और इसी की मदद से, इस अफगानी मूल के सेनापति दाऊद खान की मदद से क्या करना चाहता था, मोहम्मद शाह रंगीला से टक्कर लेना चाहता था। इसीलिए मोहम्मद शाह रंगीला से टक्कर लेने की योजना बनाई उसने, और लेकिन बाद में भाग कर ठाकुर द्वारा दुर्ग में छुप गया था। और क्योंकि दाऊद खां भाग गया था अफगान वापस, क्योंकि मुगल राजा से टक्कर लेना इतना आसान नहीं था। तो खैर, प्रश्न बने मोहम्मद शाह रंगीला का समकालीन था, इसलिए चंद्रवंश का रंगीला कह देते। कुमायूं का विक्रमादित्य बनने की चाहत रखता था, और वीर सेनापति दाऊद खां यानी अफगानी मूल के सेनापति को नियुक्त कर रखा था, और मोहम्मद शाह रंगीला से टक्कर लेने की योजना बनाई थी, सेना भी भेज दी थी, और फिर ठाकुर द्वारा के दुर्ग में छुपकर जान बचानी पड़ी थी। ये प्रश्न इससे बने हैं। और चंद्रवंश का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहते हैं इसको, सपने देखने वाला। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो कि दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का राजा था, दिल्ली सल्तनत का पागल सुल्तान, उससे तुलना होती है इसकी। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रवंश का मोहम्मद बिन तुगलक तो देवी चंद, और चंद्रवंश के अवनति का काल कहते हैं इसे, मतलब धीरे धीरे चंद्रवंश का पतन होने लगा। तो ये प्रश्न राजा देवी चंद से थे। इसके बाद चंद्रवंश के पतन का काल शुरू हो गया भैया, कि चंद्रवंश के दरबार में काफ़ी दिक्कतें आने लगी, क्योंकि राजा अजीत चंद जो कि राजा बने तो सही, लेकिन दरबार में पूरनमल और गैंडा सिंह का बोलबाला हो गया, गैंडागर्दी शासन चलने लगा। अच्छा, कहते हैं कि गैंडागर्दी यानी गैंडाबिष्ट और पूरनमल ने मिलकर अजीत चंद की हत्या करवा दी, और कल्याण चंद को गद्दी पर बैठा दिया, और फिर वही पूरनमल और माणिक चंद और ज़्यादा हावी होने लगे। अब ऐसे में कल्याण चंद को लगा कि फिर से ऐसी स्थिति आएगी, तो कल्याण चंद ने वहाँ के क्षेत्रीय लोगों की मदद से, अब क्षेत्रीय लोगों में हमेशा यही लोग अधिकतर आए हैं, फरत्याल मेहरा और अजीत चंद, इन लोगों की मदद से इन पूरनमल और माणिक चंद या मान गैंडा की हत्या करवा दी। लेकिन कल्याण चंद का शासन में ये सब जब इनसे निपट गया कल्याण चंद, तो फिर से दरबार में कुछ परेशानियां होने लगी। और कहते हैं कि कल्याण चंद ने जब पूरनमल और मान गैंडा की हत्या करवाई अपने समर्थकों की मदद से, शासन जो ही संभालने लगा तो यहाँ पर रोहिला आक्रमण होने लगे। रोहिला आक्रमण हो रहे थे इस समय, कुछ ज़्यादा हो गए, और रोहिलाओं ने पूरे अल्मोड़ा इनकी राजधानी पर अधिकार कर लिया, और राजा को मजबूर होकर यहाँ से पलायन करना पड़ा। और ऐसे में जो गढ़वाल का राजा था प्रदीप शाह की मदद से अंततः फिर से कुमायूं की सत्ता प्राप्त करने में सफल रहा। तो ध्यान रखना, किस चंद्रवंशी राजा को गढ़वाल के राजा प्रदीप शाह ने मदद की थी रोहिला आक्रमण के दौरान, तो कल्याण चंद फिफ्त हो गया, ध्यान रखिएगा। अच्छा, फिर से कहते हैं कि जब रोहिलों ने अल्मोड़ा पर आक्रमण कर लिया और बहुत समय तक यहीं शासन करने लगे, तो फिर राजा कल्याण चंद ने प्रदीप शाह की मदद से रोहिलों को यहां से भगाने का निर्णय लिया, और फिर चंद्रवंशी राजा कल्याण चंद और गढ़वाल के राजा प्रदीप शाह और रोहिलों के मध्य एक संघर्ष हुआ। और ऐसे में रोहिला सरदार जो कि अत्यधिक शक्तिशाली थे, उन्होंने इन दोनों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया, और फिर कुमायूं के चंद्रवंशी राजा से कर वसूलना शुरू किया और युद्ध हर्जाना लेना चाहा। ऐसे में 3 लाख रुपए युद्ध हर्जाने की मांग की गई, तो जब राजा नहीं दे पाया तो ये 3 लाख रुपए युद्ध हर्जाना भी राजा प्रदीप शाह ने दिया था। इस प्रकार कुमायूं और गढ़वाल के सबसे मधुर संबंध हो गए, और इसका बदला राजा प्रदीप शाह और उनके वंशजों से रोहिला फिर से लेंगे। और यही दौर था जब 1739 में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हो रहा था, और नादिर शाह ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने उत्तर भारत यानी उत्तर मुगल वंशी राजाओं को पराजित कर दिया,
और फिर दिल्ली पर आक्रमण किया, लूटपाट करना शुरू कर दिया। तो ये था हमारा चंद्रवंश से संबंधित आज का महत्वपूर्ण इतिहास। चंद्रवंश से संबंधित एक महत्वपूर्ण कक्षा हमारे पास और रहेगी। अब तक की तीन कक्षाओं में चंद्रवंश के शासन को अजीत चंद, कल्याण चंद, फिफ्थ तक ले आया हूँ। अब आगे के इतिहास को हम दीप चंद, मोहन चंद और आगे चंद्रवंशी राजाओं के पतन तक ले जाऊंगा, और फिर कुमायूं में किस प्रकार हर्षदेव जोशी ने अल्मोड़ा की सत्ता अपने हाथ में ले ली और अल्मोड़ा के चंद्रवंशी राजाओं को अपने हाथ की कठपुतली बना दिया और किसी गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह को प्रद्युम्न चंद के नाम से गद्दी पर बैठा दिया। ये हमारी नेक्स्ट क्लास होनी है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर देता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।